एक समय पर उन्होंने, आज वो योगी जी के तलवे चाट रहे हैं अर्णव गोस्वामी, एक समय पर योगी जी को अनपढ़ बता दिया, योगी जी को उन्होंने अयोग्य बता दिया, हा? फिर उसके बाद योगी जी को लेकर के बैठ गए। तो कैसे पत्रकारिता की बात कर रहे हैं? आप खुद पत्रकार हैं, अगर आप इस तरीके से अभद्र टिप्पणी करेंगे तो आपको भी नहीं बख्शा जाएगा। ऐसे व्यक्ति को मैं तो कहता हूं जल्द से जल्द देशद्रोही बना करके जेल में डाल देना चाहिए। देखिए, अर्णव गोस्वामी ने जो काम किया वो बेहद ही गलत काम किया। पत्रकारिता का मतलब ये थोड़ी ना है कि किसी को आप अभद्र टिप्पणी करके बात करें। ये आपको अधिकार किसने दे दिया? ठीक है, आप नॉर्मल बिहेवियर में बात कर सकते हैं, लेकिन आपने उनका बात करने का लहजा देखा, ऐसा लगता है कि कोई एक पागल व्यक्ति पत्रकार बन के खड़ा हो गया है। एक समय पर उन्होंने, आज वो योगी जी के तलवे चाट रहे हैं अर्णव गोस्वामी, एक समय पर योगी जी को अनपढ़ बता दिया, योगी जी को उन्होंने अयोग्य बता दिया, हा? फिर उसके बाद योगी जी को लेकर के बैठ गए। तो कैसे पत्रकारिता की बात कर रहे हैं? आप खुद पत्रकार हैं, अगर आप इस तरीके से अभद्र टिप्पणी करेंगे तो आपको भी नहीं बख्शा जाएगा। ऐसे व्यक्ति को मैं तो कहता हूं जल्द से जल्द देशद्रोही बना करके जेल में डाल देना चाहिए। ये देशद्रोह है। आज विपक्ष में है जरूर कांग्रेस, वो एक अलग बात है, लेकिन इस तरीके से आप किसी की जलालत नहीं कर सकते। एक संत प्रमोद कृष्णम को इस तरीके से वो बिहेवियर कर रहे थे, एक संत को अपने चैनल में बैठा करके आप उसकी इस तरीके से मान मर्यादा के साथ खेलेंगे? ये कभी भी संत समाज नहीं झेल पाएगा। और इसका जो भी भुगतान है अर्णव गोस्वामी को भुगतना पड़ेगा। ये बंगाल से आया हुआ आदमी है, ये गोस्वामी होते क्या है? ये बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं और ये आकर के यहां पर अपने आप को भारतीय बताते हैं। ठीक है, गोस्वामी बन के बैठ गए, पंडित बन के मछली खाते हैं ये लोग। कहां से पंडित हो गए? गोस्वामी बन के बैठ गए ये लोग। अरे भैया, एक मेंटली डिसऑर्डर को आप जाने माने पत्रकार, इतना बड़ी फंडिंग हुई थी उनके ऊपर, उनको जाने माने पत्रकार, किसी के घर में बहुत पैसा है और वो इस तरीके से काम करे या कोई उसके ऊपर फंड कर दे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो सही होगा। उनका आप लहजा देखिए, ऐसा लगेगा कि उठा करके जूते जूते मारे जाएं ऐसे व्यक्ति, समझ रहे हैं? ऐसे किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। अर्णव जैसे पत्रकार को बिल्कुल पत्रकारिता से हटा देना चाहिए। एक लहजा होता है इंसान का बात करने का, एक तहजीब होती है, और जब पत्रकार लोग अपनी तहजीब भूल जाएंगे, ये तरीका है सवाल पूछने का? आप भी तो पूछ रहे हैं सवाल, आप उस वीडियो को देखिए, इस तरीके से आप सोनिया गांधी को गाली दिलवाते हुए सवाल पूछवाएंगे? वो मालिक है सोनिया गांधी का। और मेरे को बहुत आहत हुआ कि एक संत को हम लोग वैसे अवॉइड करते हैं, क्योंकि हम लोग इस चैनल को कभी, आपने मुझे भी बैठते हुए नहीं देखा होगा, आर भारत को हम लोग जाना ही मना करते हैं, लेकिन बहुत एक रिक्वेस्ट के बाद प्रमोद कृष्णम भी नहीं जाते इसके चैनल पे, क्योंकि ये एक हमें शुरू से ही वाहियात किस्म का एक व्यक्ति नजर आया जिसमें बात करने की तमीज तक नहीं है। अब जाहिर सी बात है, एक संत को आप बुलाते हैं अपने चैनल पे रिक्वेस्ट करके, चलो ठीक है, संत चला जाता है क्योंकि वो एक बहुत कोमल हृदय के संत हैं और संत का हृदय कोमल ही होना चाहिए। लेकिन अब तुम चैनल में बैठा करके इस तरीके से टारगेट कर रहे हो उनको, एक तो आधे घंटे तक उनको चुप बैठा करके रखा। अब संत का ये थोड़ी ना आमदा होना चाहिए कि वो पब्लिक के बीच में आकर के धड़ाधड़ बोलना शुरू करें या उल्टी सीधी बकवास। ये पब्लिक का काम है, एक संत का काम नहीं है। संत एक मैसेज पास आउट करता है, वो अपना मैसेज पास आउट करने का काम करते हैं, वो एक जनता में जो एक सही तरीका है या कांग्रेस की तरफ से वो अपने आप का पक्ष रखते हैं, बहुत अच्छा पक्ष रखते हैं। लेकिन अब उनको बुला करके उनको इस तरीके से सोनिया गांधी को लेकर के टारगेट करते हुए, वहां उन्होंने बोल दिया कि ये जवाब देना पड़ेगा, सोनिया गांधी ने हत्या कर दी वहां, ये सोनिया गांधी ने हत्या कर दी, मतलब ये अर्णव को जवाब देना पड़ेगा इस चीज का जो ये बातें बोलता जा रहा है, और संत को बैठा करके उसकी बेइज्जती कर रहे हैं लोग। ठीक है, कुछ संत दूसरे बैठा लिए जिनका कोई वजूद नहीं, कोई लेना देना नहीं, कहीं से भी उठा लेते हैं संतों को। ठीक है, क्योंकि टीवी डिबेट्स पे आने के लिए संत भी तो बहुत नकली घूम रहे हैं। उनका एक होता है कि भाई मैं, हमारे को टीवी डिबेट नॉलेज नाम की चीज ही नहीं है, बस एक कपड़ा ओढ़ लिया हो गए संत, बाल बढ़ा लिया, एक टीका लगा लिए हो गए संत।
नॉलेज की बात करें तो घंटा को उनके पास कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। प्रमोद कृष्णम जैसे को बैठा करके, एक नॉलेजेबल व्यक्ति है, पढ़े लिखे व्यक्ति है, उन्होंने एक अच्छी खासी स्टडी की है और उनको बैठा करके आप बेइज्जत कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको, इनको जवाब देना पड़ेगा। इनको मैंने खींचा है अर्णव गोस्वामी को, इनको जवाब देना पड़ेगा, ये अरेस्ट होंगे देखना आप जल्दी। मतलब एक ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए कि कोई किसी को भी बैठ करके गाली देना शुरू कर दे। हा? जाहिर सी बात है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए मैं आपने जो गेस्ट, अगर ये वाकई गोस्वामी होते, पंडित होते ना, एक्चुअल ये अर्णव गोस्वामी लिख रहे हैं, तो पहली चीज सनातन को ये समझते, सनातन में स्त्री को देवी के रूप में पूजा जाता है, यहां उनके लिए अभद्र टिप्पणी नहीं की जाती, गलत भाषा यूज नहीं, वो कोई भी महिला हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी भी सनातन में स्त्री को पूजा जाता है, हाथ जोड़ा जाता है। ये शायद अगर अगर वाकई गोस्वामी या पंडित होते तो इस बात को समझते। ये भारत है, ये सनातनों का देश है, ठीक है, सनातन संस्कृति यहां पर चलती है, ये कुछ भी नहीं समझते।